प्रदेश में नवगठित योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में आलू किसानों को बड़ी राहत की घोषणा की गई। यूपी में पहली बार किसी सरकार ने आलू के समर्थन मूल्य देने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले का आलू की वेल्थ कहे जाने वाले कन्नौज जिले के आलू किसानों ने स्वागत किया है। किसानों का कहना था जिले में उनकी पारंपरिक फसल आलू ही है और वो इसी फसल के सहारे अपनी जीविका चलाते हैं। आलू की फसल पर सरकारी कोई नीति न होने के कारण अक्सर उनको घाटा हो जाता था, यहाँ तक कि उनके फसल बोने में आई लागत भी नहीं मिलती थी, जिसके चलते किसान कर्जे में डूब जाता था। लेकिन सरकार ने जो 487 रुपए आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया है, उससे अगर किसानों को लाभ नहीं होगा तो उसका नुकसान भी नहीं होगा। आलू को फेंकने के बजाय वो सरकार को बेच देगा और उससे उसको लागत मिल जाएगी। आलू किसानों ने जहां सरकार के फैसले का स्वागत किया, वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि आलू वेल्थ वाले जिलों में आलू को सड़ने से बचाने के लिए चिप्स व वोडका फैक्ट्री लगाएं, जिससे आलू किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले। सरकार ने जो आलू का जो रेट पैदा किया 487 रुपए कुछ पैसे, इससे हम किसानों को बहुत ही बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि जब बम्पर पैदावार आलू तो ज़्यादातर आलू रोड किनारे फेंक दिया जाता है, जिसको जानवर भी नहीं खाते हैं। और इस योगी सरकार से मैं बहुत ही खुश हूँ कि इन्होंने किसान का कर्ज माफ किया हुआ है और जो आलू का समर्थन मूल्य तय किया हुआ है, इससे हम किसानों को बहुत लाभ हुआ। हमारी सरकार ने जो आलू का ये निर्धारित मूल्य तय किया है, इस निर्धारित मूल्य से आम जनता को नुकसान न होकर उन्हें उनकी जायज लागत में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। आगे ये नुकसान हुआ है, फेंकने से बेटर तो यह है कि जो जायज मूल्य रखा गया है, ये इतना किसान के हित के लिए बहुत ही अच्छा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आलू का निर्धारित मूल्य जो 487 रुपये किया गया है, ये हम किसानों के लिए बहुत ही हितकारी है। जब आलू बिल्कुल मटिया मोल हो जाता है, तो हम इस रेट में सरकार को आलू दे के अपना नुकसान पूरा कर सकते हैं। हम सरकार को इस उचित फैसले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और ये सरकार का सराहनीय ही फैसला है।